नमस्कार सुनीताज किचन विदाउट अनियन एंड गार्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाते हैं मूली का पराठा। तो यहाँ पे हमने मूली ले ली है, मूली को अच्छी तरीके से ऊपर से साफ कर लिया है और धोकर रखा है और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। और उसके लिए हम मूली के पराठे के लिए डो बना लेते हैं, आटे का डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये गेहूं का आटा लिया है और एक बड़ा चम्मच ये हमने अजवाइन ली है। अजवाइन इस पराठे में जरूर डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और इस तरह से क्रश कर कर डालें तो इसका फ्लेवर और भी निखर कर आता है। और इसी में थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल भी डालेंगे, इससे पराठे हमारे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका जो है थोड़ा ढीला आटा तैयार करेंगे। बहुत कड़ा नहीं रखना है और बहुत गीला भी नहीं रखना है, थोड़ा सा हम गीले की तरफ रखेंगे तभी ये मूली का पराठा जो भरा है वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये आटा हमने सॉफ्ट बनाकर तैयार कर लिया है, अब इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब इधर को मूली को भी हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए मोटे वाले ग्रेटर से होता है, उसको हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए सारी मूली को हमने ग्रेट कर लिया है और अब हम मूली में पानी बहुत होता है तो हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला के रख देंगे ताकि इसमें जो पानी हो वो छोड़ दे, ताकि पराठों में वो गीला ना हो, पराठे बनाने में दिक्कत ना पड़े। तो ये नमक लगा के हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर इसमें जो पानी छोड़ेगा वो हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए मूली को हमने नमक लगा के रख दिया था तो ये देखिए इसका पानी मूली ने छोड़ा है। तो आप इसका पानी निकाल दें, चाहे तो कपड़े से छान लें और चाहे तो इस तरह से दबा दबा कर निकाल लें और एक छन्नी में इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चाहे तो इसको किसी कपड़े में भी डालकर इसका पानी निकाल सकते हैं। ये मूली ने देखिए इतना पानी छोड़ दिया है, इस पानी को चाहे तो आप आटा गूंद लीजिए या किसी चीज में डाल सकते हैं, और चाहे तो इसको नमक हींग वगैरह डाल के इसको पी भी सकते हैं। अब इस मूली में हमने ये अदरक और हरी मिर्च को बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप करके रखा है, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हम लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे और इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को क्रश करके डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, अजवाइन इसमें मूली में जरूर डालें। हींग, देखिए नमक हमने मूली में पहले ही डालकर रख दिया था तो ये मूली नमकीन है इसलिए हमने नमक ऊपर से नहीं डाला है, और जो आटा लगाया है उसमें भी मूली है वो नमक है तो इसलिए हमने ऊपर से इसमें नमक नहीं डाला है। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पराठे का, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी हम डालेंगे। अब जितना बड़ा पराठा लेना है उतनी बड़ी हम लोई ले लेंगे इस तरह से, और इसको बर्तन में कोट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। और ये मूली का जो मसाला हमने बनाकर रखा था ये हम इसमें फिल करेंगे। ऐसा हाथ से हम इसको बड़ा कर लेंगे, ये हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से बेल लिया है, और इधर हमने तवा भी चढ़ा दिया है और इसके ऊपर हम पराठा डाल देंगे। एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाए फिर हम इसको पलट देंगे और ऊपर से घी बटर जिसमें भी आप पराठा बनाना चाहते हैं उसमें बनाएं। तो यहाँ पे हम ये प्लेन बटर लगा रहे हैं। ये देखिए इसी तरह से हम दोनों तरफ से लाल अच्छी तरह से लो फ्लेम पे इस पराठे को बना लेंगे। तो ये देखिए सारे पराठे हमने मूली के ये बना के रख लिए हैं। तो ये देखिए इस सर्दियों में ये गर्मा गर्म मूली के पराठे आप जरूर बनाकर खाएं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए ये जो हमने फिल किया है पूरे में ये आपको मूली दिख रही होगी, पूरे पराठे में आपको मूली इसमें मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे मूली स्टफिंग इसमें नहीं है। तो मूली के पराठे इस तरह से आप जरूर बनाएं, और इसको मैं सर्व कर रही हूँ टमाटर की और हरे धनिया की चटनी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।